Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing a very important chapter for the NEET, Reproduction in Organism. And today we have to discuss the topic Pre-Fertilization Event Part 2nd. Or in this part we have to discuss Sexuality in Organism and Gamete Transfer. Already hum baat kar chuke hain Event in Sexual Reproduction. जब हमने डिस्कशन किया था इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो मेनली तीन इवेंट्स थे. फर्स्ट इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मेनली कंप्लीटेड इनटू द टू पार्ट. फर्स्ट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द गैमेट ट्रांसफर. सो ऑलरेडी इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पार्ट फर्स्ट में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को. गैमेटोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, कि आखिर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है. इसमें मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन का डिस्कशन हो चुका है. साथ में हमने देखा था सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन. बट नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म एंड गैमेट ट्रांसफर का डिस्कशन करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड डिस्कशन. सो देखिए, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. सो इन वी विल डिस्कस इन द टू पार्ट, फर्स्ट इन लोअर ऑर्गेनिज्म, सेकंड इन हायर ऑर्गेनिज्म. सो इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इन मोस्ट ऑफ द लोअर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, टू फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. If these gametes belong to the same parent, then such organisms are called homothelic. देखिए, हमने यहाँ पर बताया lower organisms के बारे में discussion कर रहे हैं. जैसे ही हमने lower organisms के बारे में discussion में करते हैं, तो first हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो lower organism है, यदि इनसे produce होने वाले जो fusing gametes हैं, ये फ्यूजिंग गैमेट सेम पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं होमोथेलिक. सो आप लोगों को समझना है, होमो मींस द सिमिलर और थेलिक मींस द बॉडी. किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से टू फ्यूजिंग गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द होमोथेलिक कंडीशन. एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया कि इसका म्यूकर म्यूसिडो को. सेकेंड हम देखें लोअर ऑर्गेनिज्म में, वेन दीज गैमेट्स बिलोंग टू द डिफरेंट पेरेंट्स, then these organism are called heterothelic. Example लें हम heterothelics के, so Saccharomyces cerevisiae are example of the heterothelic condition. So इसको समझिएगा, देखिए हम समझ रहे हैं sexuality in organism. तो जब भी हम organisms में sexuality के बारे में discussion करते हैं, so especially sexuality हम discuss कर रहे हैं किसमें, lower organisms में. सो ऑलरेडी हम लोअर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो टर्म है, सो दो टर्म आपको बहुत अच्छे से समझना है. फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द होमोथेलिक. तो यहाँ हमने लिखा फर्स्ट इज कॉल्ड द होमोथेलिक एंड सेकेंड टर्म इज द हेट्रोथेलिक. अब देखिए, जस्ट आई एक्सप्लेन होमोथेलिक. होमोथेलिक मीन्स व्हेन फ्यूजिंग गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द सेम पेरेंट्स. सो हमने यहाँ पर क्या कहा, जब भी हम बात कर रहे हैं टू फ्यूजिंग गैमेट्स की, और जब फ्यूजिंग गैमेट्स प्रोड्यूस बाय, जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं, दीज फ्यूजिंग गैमेट्स प्रोड्यूस बाय सेम पेरेंट, सेम पेरेंट्स के थ्रू इनका प्रोडक्शन होता है, सो दैट इज कॉल्ड द होमोथेलिक कंडीशन. और होमोथेलिक मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द फंजाई. तो मोस्ट कॉमनली किस में प्रेजेंट है, फंजाई में. और फंजाई में हमने होमोथेलिक का एग्जांपल लिया म्यूकर म्यूसिडो. तो यहाँ पर हमने लिखा एग्जांपल म्यूकर म्यूसिडो इज एग्जांपल ऑफ द होमोथेलिक. सो होमोथेलिक मींस व्हेन फ्यूजिंग गैमेट्स बिलोंग टू द सेम पेरेंट, सच ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द होमोथेलिक. होमो मींस द सेम, एक ही थैलस है जब टू गैमेट्स का प्रोडक्शन हो, मेल और फीमेल, टू फ्यूजिंग गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय द वन थैलस, तो दैट इज कॉल्ड द होमोथेलिक कंडीशन. एग्जांपल फंजाई में हमने लिया है म्यूकर म्यूसिडो को. सेकंड आप लोग समझिएगा हेट्रोथेलिक. अब हेट्रो,
हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. सो व्हेन फ्यूजिंग गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट पेरेंट्स. सो यहाँ पर हमने बताया कि जब जो फ्यूजिंग गैमेट्स है, सो जो डिफरेंट पेरेंट्स हैं, दीज डिफरेंट पेरेंट प्रोड्यूस द फ्यूजिंग गैमेट्स, या फ्यूजिंग गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द टू डिफरेंट पेरेंट्स, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द हेट्रोथेलिक. अब हेट्रोथेलिक आल्सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, फंजाई का. और फंजाई में हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया किसका, सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी. तो यहाँ पर हमने कहा सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, दैट इज कॉल्ड द ईस्ट. सो इस तरीके से लोअर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी प्रेजेंट है. जब लोअर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी का हम डिस्कशन करते हैं, सो दो टर्म आप लोगों को बिल्कुल समझना है. फर्स्ट इज कॉल्ड द होमोथेलिक टर्म. तो फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द होमोथेलिक एंड सेकेंड इज कॉल्ड द हेट्रोथेलिक. तो यहाँ पर हमने कहा हेट्रोथेलिक एंड होमोथेलिक. होमो मीन्स द सिमिलर और हेट्रो मीन्स द डिफरेंट. अब हम डिस्कशन करते हैं, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हायर ऑर्गेनिज्म. हायर ऑर्गेनिज्म्स में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सेक्सुअलिटी. अब सेक्सुअलिटी इन हायर ऑर्गेनिज्म, सो इन हायर प्लांट देयर आर वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन एंड देयर इज क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन. यहाँ पर जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्लियर डिस्टिंक्शन होता है. जब भी हम देखते हैं यहाँ पर हायर प्लांट्स का, हायर ऑर्गेनिज्म्स में एग्जांपल लिया हायर प्लांट्स का, सो हायर प्लांट्स में जो सेक्स ऑर्गन है वो सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप है. जब भी सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप रहेंगे, सो ईजिली हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को. ईजिली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन. जस्ट वी डिस्कस अबाउट द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म मीन्स द फ्लोवरिंग प्लांट. सो एंजियोस्पर्म पजेस फ्लोवर एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड द एस्टामेन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द कार्पेल और पिस्टिल. सो देखिए हायर प्लांट में हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, एंजियोस्पर्म्स का. सो जैसे ही हमने एंजियोस्पर्म्स का एग्जाम्पल लिया, तो एंजियोस्पर्म्स में हम देखें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो यहाँ पर हमने लिखा मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन को नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द एस्टामेन टर्म यूज होता है, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए जो कॉमनली यूज टर्म है दैट इज कॉल्ड द कार्पेल एंड पिस्टिल. सो यहाँ हमने कहा फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए द टर्म इज बीइंग यूज कार्पेल एंड पिस्टिल. सो इफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अकर्स इन द सेम फ्लोवर देन दीज प्लांट्स आर कॉल्ड द बाईसेक्सुअल. और बाईसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल है चाइना रोज. सो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज प्रेजेंट इन द सेम फ्लोवर. एक ही फ्लोवर के अंदर जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द बाईसेक्सुअल फ्लोवर. तो यहाँ पर हमने कहा कि जो फ्लोवर है, फ्लोवर को हमने क्या कह दिया, बाईसेक्सुअल फ्लोवर. बाईसेक्सुअल फ्लोवर मीन्स व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम फ्लोवर. और प्लांट क्या हो गया है यहाँ पर, प्लांट इज कॉल्ड द बाईसेक्सुअल प्लांट. अब बाईसेक्सुअल प्लांट्स मतलब क्या हो गया, जिसमें फ्लोवर कैसे प्रेजेंट है, बाईसेक्सुअल फ्लोवर प्रेजेंट है. वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ द चाइना रोज. अब हम देखें कि सपोज कुछ केस में क्या हो सकता है कि फ्लोवर मे बी यूनिसेक्सुअल. अब यूनिसेक्सुअल फ्लोवर मीन्स आइदर पजेस द मेल सेक्स ऑर्गन और पजेस द फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो यहाँ पर हमने कहा आइदर एस्टामेन और पिस्टिल. या तो फ्लोवर में एस्टामेन प्रेजेंट रहेगा या फिर फ्लोवर में पिस्टिल प्रेजेंट रहेगा. यदि फ्लोवर में एस्टामेन प्रेजेंट है,
सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लोवर। स्टेमेन प्रेजेंट है सो फ्लोवर इज कॉल्ड द स्टेमिनेट फ्लोवर, और यदि फ्लोवर में पिस्टिल प्रेजेंट है तो फ्लोवर इज कॉल्ड द पिस्टिलेट फ्लोवर। सो देखिए, जस्ट आई हैव एक्सप्लेन यू कि जो फ्लोवर है, फ्लोवर क्या हो सकते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लोवर हो सकता है और यूनिसेक्सुअल फ्लोवर हो सकता है। बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल मीन्स जब दोनों ही सेक्स ऑर्गन स्टामेन एंड कार्पेल प्रेजेंट इन द सेम फ्लोवर, सो दैट इज कॉल्ड द बाईसेक्सुअल फ्लोवर। और जब फ्लोवर में या तो स्टामेन रहे या फिर पिस्टिल रहे, सो ऐसे फ्लोवर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल में क्या रहेगा, स्टेमिनेट फ्लोवर और पिस्टिलेट फ्लोवर। स्टेमिनेट फ्लोवर मतलब हो जाएगा मेल फ्लोवर, तो यहाँ हमने कहा स्टेमिनेट फ्लोवर मीन्स द मेल फ्लोवर, जबकि पिस्टिलेट मीन्स द फीमेल फ्लोवर। सो दिस इज प्रेजेंट इन द हायर ऑर्गेनिज्म। अब जब प्लांट में प्रेजेंट है यूनिसेक्सुअल फ्लोवर, सो व्हेन इन प्लांट देयर इज प्रेजेंट द यूनिसेक्सुअल फ्लोवर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लोवर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यूनि मतलब सिंगल, आइदर फ्लोवर इज द मेल और द फ्लोवर इज द फीमेल। सो इसमें प्लांट के लिए दो कंडीशन पॉसिबल है, फर्स्ट इज कॉल्ड द प्लांट इज कॉल्ड द मोनोसियस प्लांट एंड सेकेंड इज कॉल्ड द डायोसियस प्लांट। सो मोनोसियस, मोनोसियस मीन्स द मोनो मीन्स द वन, वन मीन्स द जब स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लोवर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड द मोनोसियस प्लांट। सो इफ फ्लोवर पजेस ओनली स्टामेन और कार्पेल देन दिस प्लांट आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल प्लांट। व्हेन द मेल फ्लोवर स्टेमिनेट और फीमेल फ्लोवर पिस्टिलेट आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बॉडी, सच प्लांट बॉडी इज कॉल्ड द मोनोसियस। सो आपको टर्म समझना है, मोनो मीन्स द वन और सिंगल, जब स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लोवर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड द मोनोसियस। सो याद रखें, सो हमने यहाँ पर क्या कहा, स्टेमिनेट फ्लोवर, और हमने यहाँ पर बताया पिस्टिलेट फ्लोवर, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लोवर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। जब एक ही प्लांट्स में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लोवर, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लोवर्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, सो सच ए प्लांट इज कॉल्ड द मोनोसियस प्लांट। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोसियस प्लांट, और मोनोसियस प्लांट्स के एग्जांपल हैं कोकोरविट्स, कोकोनट एंड मेज। सो ये एग्जांपल कई बार नीट में पूछे जाते हैं, सो यू कैन ईजिली मेमोराइज। आप लोगों को सिर्फ ऐसे याद रखना है CCM मोनोसियस, कैसे याद रखोगे आप लोग, CCM मोनोसियस। CCM मोनोसियस मतलब C फॉर कोकोरविट, C फॉर कोकोनट, M फॉर मेज। सो आपको मोनोसियस प्लांट के एग्जांपल कैसे याद रखना है, CCM मोनोसियस, कोकोरविट्स, कोकोनट एंड मेज आर द मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस मीन्स द ऐसे प्लांट जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लोवर है, और दोनों टाइप के यूनिसेक्सुअल फ्लोवर मतलब स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लोवर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट बॉडी। नाउ आई विल एक्सप्लेन द डायोसियस प्लांट। डायोसियस मीन्स द डाई, डाई मीन्स द टू। व्हेन बोथ टाइप ऑफ फ्लोवर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट बॉडी देन दीज प्लांट आर नोन एज द डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या हुआ, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लोवर आर प्रेजेंट इन द सेपरेट प्लांट बॉडी। सो हेयर आई हैव रिटन स्टेमिनेट फ्लोवर, स्टेमिनेट हो गया। दूसरा हमने यहाँ पर क्या कहा, पिस्टिलेट फ्लोवर, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। जो फ्लोवर हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट बॉडी, वो कहाँ प्रेजेंट रहा है, प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट बॉडी। सो दिस इज कॉल्ड द डायोसियस प्लांट। डाई मीन्स द टू। व्हेन बोथ टाइप ऑफ द फ्लोवर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट बॉडी देन दिस इज कॉल्ड द डायोसियस प्लांट।
और डायोसियस प्लांट के मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं डेट पाम एंड पपाया। सो आप आसानी से याद रख सकते हैं डीपी डायोसियस। कैसे याद रखोगे आप लोग? डीपी डायोसियस, डी मतलब डेट पाम, पी मीन्स पपाया, डीपी डायोसियस और सीसीएम मोनोसियस। कोकोरबेट, कोकोनट एंड मेज आर द मोनोसियस प्लांट, जबकि हम देखें डेट पाम एंड पपाया आर द डायोसियस प्लांट। जब दोनों टाइप के फ्लोवर स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट बॉडी, सो प्लांट इज कॉल्ड द डायोसियस प्लांट। जब हम देखें स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लोवर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड द मोनोसियस प्लांट। सो आप आसानी से समझ गए हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए मोनोसियस एंड डायोसियस टर्म। सो इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लोवर इन स्वीट पोटैटो, जो कि एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, इससे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टामेंस हैं, तो देखिए इसको भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लोवर इन द स्वीट पोटैटो। सो दिस इज कॉल्ड द कार्पेल, कार्पेल इज कॉल्ड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। सो यहाँ पर हमने कहा कार्पेल इज कॉल्ड द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड एस्टामेन, एस्टामेन इज कॉल्ड द मेल सेक्स ऑर्गन। सो दिस इज कॉल्ड द एस्टामेन, इसमें एंथर है और फिलामेंट है। इसमें हम देखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो बाइसेक्सुअल फ्लोवर ऑफ द स्वीट पोटैटो, इसमें एक ही फ्लोवर के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा। अब सेक्सुअलिटी को समझने के लिए और सेक्स ऑर्गन को समझने के लिए हम कुछ दो एग्जाम्पल से समझेंगे। एक कारा का एग्जाम्पल लेंगे और दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे मार्केंसिया का। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा, जब हम कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन समझते हैं, सो द कारा इज द ग्रीन एल्गी, कारा एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी का, और द सेक्स ऑर्गन आर हाईली स्पेशलाइज्ड। इसमें जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, दीज सेक्स ऑर्गन आर द हाईली स्पेशलाइज्ड प्रेजेंट है। अब हम देखें सेक्स ऑर्गन जो कारा में प्रेजेंट है, कारा के सेक्स ऑर्गन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो कारा में प्रेजेंट रहेगा मेल सेक्स ऑर्गन एंड प्रेजेंट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये सिंबल है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को। अब आप लोग इसमें देखेंगे कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है, तो यहाँ पर हमने कहा दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। सो सम वर्कर प्रेफर टू कॉल मेल सेक्स ऑर्गन एज ए एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एज ए ओगोनियम। सो हमने यहाँ पर क्या कहा, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, तो मेल सेक्स ऑर्गन के लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड द एंथ्रीडियम, वेयर एज फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए जो टर्म यूज होता है दैट टर्म इज कॉल्ड द ओगोनियम। सो अब हमने यहाँ पर बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा, कारा इज एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीन एल्गी, तो इसमें हम देखें मेल सेक्स ऑर्गन के लिए जो टर्म यूज होगा दैट टर्म इज कॉल्ड द एंथ्रीडियम, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड द ओगोनियम। सो फिर भी कुछ साइंटिस्ट इस बात के लिए एग्री नहीं करते हैं, वो एंथ्रीडियम की जगह पर जो मेल सेक्स ऑर्गन के लिए टर्म यूज करना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड द ग्लोब्यूल। सो मेजोरिटी ऑफ द साइंटिस्ट एंथ्रीडियम के प्लेस पर ग्लोब्यूल टर्म कहना पसंद करते हैं, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए जो टर्म यूज होता है दैट टर्म इज कॉल्ड द निक्यूल, टर्मोलॉजी लार्जली यूज करते हैं। सो देखिए अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा, कारा इज एग्जांपल ऑफ द ग्रीन एल्गी। सो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन के लिए टर्म यूज होता है एंथ्रीडियम, लेकिन साइंटिस्ट अधिकांश साइंटिस्ट एंथ्रीडियम की जगह पर ग्लोब्यूल कहना पसंद करते हैं, जबकि हम देखें फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द ओगोनियम, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द साइंटिस्ट कॉल द निक्यूल। सो अब हम देखें बेसिकली एल्गी में यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जबकि कारा में द सेक्स ऑर्गन आर एक्सेप्शनली
मल्टी सेल्ड एंड कवर्ड बाय जैकेट, मल्टी सेल्ड होते हैं जो कि जैकेट के थ्रू कवर होते हैं। द न्यूक्यूल ऑक्यूपाइज एन अपर पोजिशन देन द ग्लोब्यूल वाइल मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ कारा आर मोनोसियस, कारा बलीची इज द डायोसियस। यहाँ पर जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज द निक्यूल ऑक्यूपाय द अपर पोजिशन देन द ग्लोब्यूल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो आप लोगों को याद रखना है निक्यूल मीन्स द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट अपर द मेल सेक्स ऑर्गन, सो यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम ऑल्सो। सो देखिए हमने यहाँ पर डायग्राम में लिया मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट कारा, और कारा इज एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीन एल्गी, और बेसिकली एल्गी में यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं जबकि कारा में मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गेनिज्म है। सो यहाँ पर आप लोग देखोगे दिस इज द कारा प्लांट बॉडी ऑफ द कारा। सो यहाँ पर हमने बताया ये कारा की प्लांट बॉडी है, और जब हम यहाँ पर इलार्ज करके इस व्यू को देखते हैं सो ओवरऑल हम क्या देखेंगे ऊगोनियम दैट इज कॉल्ड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आल्सो नोन एज द निक्यूल इन द कारा दैट इज प्रेजेंट एट द अपर पोजिशन, एंथीडियम दैट इज कॉल्ड द मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन आल्सो नोन एज द ग्लोब्यूल। सो याद रखें निक्यूल इज प्रेजेंट एट द अपर पोजिशन, सो ये कहाँ सिचुएटेड है अपर पोजिशन पे सिचुएटेड है एट कंपेयर टू द एंथीडियम। सो दिस इज द ऊगोनियम, दिस इज द ऊगोनियम विच इज सिचुएटेड एट द अपर पोजिशन एट कंपेयर टू द ग्लोब्यूल या मेल सेक्स ऑर्गन। सो ये हमने कारा का एग्जाम्पल लेके समझा। सो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारा, सो कारा में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन समझते हैं तो कारा ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है, इसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द एंथीडियम वेयर एज फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द आर्किगोनियम सॉरी ऊगोनियम, एंथीडियम इज कॉल्ड द ग्लोब्यूल एंड ऊगोनियम इज कॉल्ड द निक्यूल, और जो निक्यूल है दैट इज प्रेजेंट एट द अपर पोजिशन देन द ग्लोब्यूल। नाउ आई विल एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया। सो अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया। सो मार्केंसिया इज डायोसियस ब्रायोफाइट वेयर मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। सो देखिए Here, just I explain, male sex organ को हम कहते हैं एंथ्रीडियम वेयर एज फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द आर्किगोनियम। सो जब भी हम सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं सो कारा जो था कारा हमने बताया था मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल था, जबकि मार्केंसिया तो मार्केंसिया इज एग्जाम्पल ऑफ द डायोसियस। डायोसियस मीन्स क्या हो गया कि डाई मतलब टू, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट एट द सेपरेट प्लांट बॉडी। सो यहाँ पर जब भी हम देखते हैं सेक्स ऑर्गन, हम बात करें सेक्स ऑर्गन की सो हेयर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन के लिए जो टर्म यूज होता है दैट टर्म इज कॉल्ड द एंथीडियम। सो यहाँ पर जो हमने टर्म यूज किया एंथीडियम, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए जो टर्म यूज किया गया दैट टर्म इज कॉल्ड द आर्किगोनियम। सो देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम टर्म यूज करते हैं। सो सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द स्टॉक अपराइट रिसेप्टिकल और स्पेशल ब्रांच कॉल्ड द गैमेटोफोर। सेक्स ऑर्गन जिस स्पेशल ब्रांच पर प्रेजेंट होता है हम उस ब्रांच को नाम से जानते हैं गैमेटोफोर। गैमेटोफोर के लिए अब जो टर्म है जैसे हम देखें जहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन को हमने कहा एंथीडियम। सो एंथीडियम जो प्रेजेंट रहेगा दैट रिसेप्टिकल इज कॉल्ड द
एंथ्रीडियो फोर, और जहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है दैट रिसेप्टिकल और दैट गैमेटोफोर इज कॉल्ड द आर्किगोनियो फोर. सो गैमेटोफोर ऑफ मेल थैलस इज एंथ्रीडियो फोर एंड द फीमेल थैलस इज द आर्किगोनियो फोर. सो देखिए यहाँ पर आई हैव एक्सप्लेन यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया. सो मार्केंसिया एग्जाम्पल है डायोसियस ब्रायोफाइट का. डाई मीन्स द टू, बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट एट द सेपरेट प्लांट बॉडी. मेल सेक्स ऑर्गन इज द एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द आर्किगोनियम. तो सेक्स ऑर्गन जिस स्टॉक पर प्रेजेंट होते हैं उस स्पेशल ब्रांच को हम नाम से जानते हैं गैमेटोफोर. और गैमेटोफोर ऑफ मेल थैलस इज एंथ्रीडियोफोर एंड फीमेल थैलस इज कॉल्ड आर्किगोनियोफोर. यहां पर आप लोग देखेंगे दिस इज द फीमेल थैलस एंड दिस इज द मेल थैलस. अब इस फीमेल थैलस में आप लोग समझेंगे सो ये जो क्या है रिसेप्टिकल है. दिस रिसेप्टिकल इज कॉल्ड द गैमेटोफोर. और इस गैमेटोफोर के लिए फीमेल बॉडी है इसीलिए इसके लिए जो टर्म यूज हुआ दैट इज कॉल्ड द आर्किगोनियोफोर. और दिस इज आल्सो गैमेटोफोर और इस रिसेप्टिकल के लिए मेल बॉडी है इसीलिए टर्म यूज हुआ है यहाँ पर एंथ्रीडियोफोर. सो आप लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं विच इज़ द मेल बॉडी और फीमेल बॉडी. सो देखिए इन दोनों को आप लोग ध्यान से देखेंगे वन और टू. सो ऐसे याद रख सकते हैं जो सुंदर सा दिख जाए दैट इज कॉल्ड द फीमेल. तो ये दिस इज कॉल्ड द फीमेल थैलस. जो गंदा सा दिख जाए मतलब नॉट वेल डेकोरेटेड दैट इज कॉल्ड द मेल थैलस. तो ऐसे भी याद रख सकते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया एक्सप्लेन किया. अब हम देखें आफ्टर फॉर्मेशन. सो नाउ हम देखेंगे जो प्री फर्टिलाइजेशन है. प्री फर्टिलाइजेशन में सेकेंड जो पॉइंट हमें डिस्कशन करना है दैट इज द गैमेट ट्रांसफर. यहाँ पर हम बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर की. जैसे ही आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंपेटेबल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्राउट टूगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन. दैट्स मीन्स हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं एक बार किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जैसे सपोज हमने यहाँ पर क्या कहा सपोज यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. यहाँ पर कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स पहले से प्रेजेंट है. अब इस ऑर्गेनिजम्स में फॉर्मेशन हो गया किसका मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का. सो अब इसमें फॉर्मेशन हो चुका है किसका मेल गैमेट्स और हमने यहाँ पर क्या कहा फीमेल गैमेट्स का. फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. अब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन के बाद क्या जरूरी है कि जो कंपेटेबल गैमेट्स हैं जो एक दूसरे के कंपेटेबल है वो कंपेटेबल गैमेट फिजिकल कॉन्टेक्ट में आना चाहिए. क्योंकि जब कंपेटेबल गैमेट फिजिकल कॉन्टेक्ट में आते हैं सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी. हम इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी के नाम से जानते हैं. इन फ्यू फंजाई एंड एल्गी बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल. सो हमने यहाँ पर क्या बताया फंजाई और एल्गी की हम बात करें सो इन फंजाई एज वेल एज द एल्गी. फंजाई और एल्गी में जो बोथ टाइप ऑफ गैमेट है बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर मोटाइल. दोनों ही गैमेट्स क्या होते हैं मोटाइल होते हैं. जब दोनों ही मोटाइल हैं सो आसानी से एक दूसरे के पास आ सकते हैं. लेकिन हम बात करें मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट्स इज नॉन मोटाइल. जबकि मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अधिकांश ऑर्गेनिज्म्स में जब हम देखते हैं तो जो मेल गैमेट्स हैं मेल गैमेट्स क्या रहेगा मोटाइल होता है वेयर एज फीमेल गैमेट्स इज नॉन मोटाइल. सो हेयर वी हैव रिटन फीमेल गैमेट्स इज नॉन मोटाइल.
तो देखिए गैमेट ट्रांसफर की कब जरूरत लगेगी, देखिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले प्रोसेस जो होगी दैट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब जब गैमेट्स बन गए तो जो कंपेटेबल गैमेट्स है एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। जैसे ही वो एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएंगे दैट्स मीन्स वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन होगा। सो गैमेट ट्रांसफर क्यों ज़रूरी है, ताकि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ सके। तो फंजाई और एल्गी में बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, जबकि मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम बात करें मेल गैमेट्स क्या होता है, मोटाइल होता है, वेयर एज फीमेल गैमेट्स इज नॉन मोटाइल। नाउ अब हम देखें कि किस तरीके से मेल गैमेट्स जब हम फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचेगा। सो इन एल्गी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स वाटर इज द मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। सो यहाँ पर हमने क्या कहा कि बेसिकली हम देखें इन एल्गी, एल्गी के बाद हम बात करें ब्रायोफाइट्स की एंड ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स। इन प्लांट्स में जो गैमेट ट्रांसफर का मीडियम है, सो इनमें गैमेट ट्रांसफर के लिए जो मीडियम की रिक्वायरमेंट है दैट मीडियम इज़ द वाटर। सो वाटर इज़ द मीडियम फॉर द गैमेट ट्रांसफर इन द एल्गी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जिनके थ्रू गैमेट्स जो रहेंगे, जैसे सपोज मेल गैमेट्स मोटाइल हैं तो वाटर के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, फीमेल गैमेट्स के पास। सो फिर जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन जब वाटर मीडियम की तरह वर्क करता है सो इसका मतलब कुछ ड्रॉबैक भी है, अ लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स हाउ एवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स। सो क्या होगा, इनमें से जो मेजोरिटी ऑफ द मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ गैमेट्स द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड टाइम द नंबर ऑफ द फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस। सो इस केस में हम देखेंगे जो मेल गैमेट्स है फीमेल गैमेट्स के कंपेयर में कई थाउजेंड गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ गैमेट्स होता है। यदि गैमेट्स का ट्रांसफर वाटर के थ्रू हो रहा है तो उस केस में अधिकांश जो मेल गैमेट्स है फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुँच पाएंगे, लॉस होगा। तो इसीलिए फीमेल गैमेट्स के कंपेयर में कई थाउजेंड गुना मतलब मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। सो जब वाटर मीडियम है तो उस केस में आप लोग याद रखें मेल जो गैमेट्स है दैट्स प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। तो यहाँ पर हमने कहा क्या होगा, वो लार्ज अमाउंट में इनका प्रोडक्शन होगा। अब हम देखें इन सीड प्लांट, सीड प्लांट कौन से रहेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मेटाइल। अब हमने कहा जो सीडेड प्लांट है इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही नॉन मेटाइल हैं, तो यहाँ पर जो गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गैमेटोफाइट्स के अंदर। सो हेयर इज पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ द मेल गैमेट्स एंड द ओब्यूल हैज़ द एग सेल। सो इस केस में क्या रहेगा कि मेल गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट रहेगा, पोलन ग्रेन के अंदर, और वो पोलन ग्रेन के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, ओब्यूल के पास, और ओव्यूल के अंदर क्या है, एग सेल। एज द मेल गैमेट्स इज नॉन मोटाइल सो इट कैन नॉट स्विम थ्रू द वाटर मीडियम टू रीच द फीमेल गैमेट, रादर पोलन ट्यूब सर्व दिस पर्पस। तो इस केस में क्या होगा, पोलिनेशंस की प्रोसेस होगी। सपोज यहाँ पर हम क्या देखें, ये पोलन ग्रेन्स है, सपोज यहाँ पर ये हमने क्या बना दिया, दिस इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन्स एंजियोस्पर्म्स में रिलीज होता है किससे, जो एंथर्स है, एंथर से रिलीज होकर कहाँ जाएगा, जो फ्लावर है उस फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गायनोसियम के पास, दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्टिग्मा, और देन आफ्टर दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड द ओवरी। अब इसमें हम समझें तो पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा, डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, और डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, स्टिग्मा पर, और जैसे ही वो स्टिग्मा पर लैंड करेगा सो देन आफ्टर ये पोलन ग्रेन से किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब का, और ये पोलन ट्यूब के थ्रू
मेल गैमेट कहाँ पहुँच जाएगा, ओव्यूल में, और ओव्यूल से एक सेल के बाद, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। सो हमने यहाँ पर क्या कहा, सीडेड प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, इसीलिए मेल गैमेट्स का कैरियर क्या होता है यहाँ पर, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन्स के थ्रू मेल गैमेट्स कहाँ पहुँचेगा, फीमेल गैमेट्स के पास। सो जब भी हम कहें ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज नोन एज द पोलिनेशन। सो हमने यहाँ पर कहा फॉर दिस पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल ऑर्गन और दैट इज कॉल्ड द कार्पेल, थ्रू प्रोसेस इज कॉल्ड द पोलिनेशन। तो हम इस प्रोसेस को किसके नाम से जानते हैं, पोलिनेशन। सो देखिए जब भी हम यहाँ पर पोलिनेशन की प्रोसेस की बात करते हैं, जो पोलिनेशंस की प्रोसेस है, सो जो पोलिनेशंस की प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशंस एंड क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को उससे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, क्या हो सकती है प्रोसेस, सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, और सेल्फ पोलिनेशंस के अलावा प्रोसेस क्या हो सकती है, क्रॉस पोलिनेशन। देखिए सेम सेल्फ पोलिनेशंस मीन्स क्या हुआ, जब पोलन ग्रेन जिस प्लांट से रिलीज हो रहा है उसी प्लांट के फ्लोवर पर पहुंच जाए, या फिर सेम फ्लोवर से निकले और उसी फ्लोवर के स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ पोलिनेशन। मतलब पोलिनेशन बिटवीन द सेम प्लांट, सेम प्लांट्स पर जब पोलिनेशन होगा, सो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ पोलिनेशन। जब पोलिनेशंस अकर टू द डिफरेंट प्लांट, या फिर हम यहाँ पर कह दें पोलिनेशंस अकर्स टू द सेपरेट, या फिर हमने यहाँ पर क्या कहा, पोलिनेशंस अकर टू द एनोदर प्लांट। एनोदर प्लांट से कहने का मतलब हुआ जिस प्लांट से पोलन ग्रेन्स रिलीज हुआ उस प्लांट का पोलन ग्रेन जाकर कहाँ पर रिसीव होगा, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, सो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन। सो इस तरीके से पोलन ग्रेन का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। सो देखिए अभी मैंने आप लोगों को गैमेट ट्रांसफ़र एक्सप्लेन किया, जब हम देखते हैं गैमेट ट्रांसफ़र, सो गैमेट ट्रांसफ़र में क्या होगा, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले जैसे ही गैमेटोजेनेसिस होती है, तो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बन गए, सो गैमेट्स एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं, सो उसके लिए गैमेट ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट लगती है। सो मेल गैमेट्स कहाँ पहुँचेगा, फीमेल गैमेट्स के बाद, फॉर द पर्पस ऑफ द फ्यूज़न। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गैमेट ट्रांसफ़र। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।